देश में अडानी और विदेश में जयपुर के जगतानी, कांगो गणराज्य का बड़ा बिजनेसमैन है जगतानी, राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाकर की काली कमाई, सत्ता गई तो याद आया अपना देश, काली कमाई का जयपुर समेत कई शहरों में किया निवेश। जयपुर का एक सामान्य शख्स हरीश जगतानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जाकर बड़ा बिजनेसमैन बन गया। साल 1995 में वो कांगो गया, जहाँ एक भारतीय द्वारा संचालित एक आयात कंपनी में नौकरी करने लगा। इस कंपनी में काम करते हुए उसका कद बढ़ता रहा। अफसरों और नेताओं से मुलाकात करते हुए उसकी पहचान तत्कालीन कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कबीला से हुई। 2001 से 2019 तक कांगो की सत्ता कबीला के हाथों में रही थी। इस बीच जगतानी के कबीला के साथ पारिवारिक संबंध बन गए। दोनों की पत्नियां भी अच्छी सहेलियां हो गई। जगतानी ने इसका पूरा फायदा उठाया, अपनी चालाकी और होशियारी से काली कमाई करने लगा। कुछ ही सालों में जगतानी कांगो गणराज्य का बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसने वहां रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश किया, जयपुर के बड़े प्रोजेक्ट में लगाया काला धन। जगतानी ने जयपुर के जगतपुरा में बनाया महल नुमा घर। साल 2019 में कबीला के हाथ से सत्ता जाने के बाद कांगो में हरीश जगतानी की मुश्किलें बढ़ने लगी। यहीं से जगतानी ने अपने देश की ओर रुख किया। कांगो से कमाई गई अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा उसने जयपुर में निवेश करना शुरू किया। पहले उसने ज़मीनें खरीदी और फिर बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लगाना शुरू किया। जयपुर के आसपास उसने करोड़ों रुपए की ज़मीनें खरीदी। जयपुर के जगतपुरा में जगतानी ने महल नुमा घर भी बनाया है। बांदर सीधरी गाँव में जगतानी ने कई बीघा ज़मीन अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली है। बताया जा रहा है कि जगतानी का पैसा मंगलम बिल्डर्स की योजनाओं में भी लगाया गया है। इसी वजह से आयकर विभाग ने मंगलम समेत कुछ बिल्डरों के यहाँ सर्च भी की थी। इनकम टैक्स की टीम जगतानी को गिरफ्तार कर ले आई है। काली कमाई को काले रास्ते से किया निवेश, ईडी भी कर रही है कार्रवाई, इनकम टैक्स की भी रेड। मुंबई में अमिताभ के बंगले को खरीदने का प्रयास। कांगो गणराज्य से जगतानी अपनी काली कमाई को काले रास्ते से अपने देश में लेकर आया। इस दौरान जगतानी ईडी और इनकम टैक्स की रडार पर आ गया। ईडी ने भी जगतानी पर कार्रवाई की। इसके बाद इनकम टैक्स टीम ने जगतानी की काली कमाई और काले रास्ते की खोज कर जगतानी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला पर बैंक में हुए करोड़ों डॉलर के घोटाले का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगतानी की इस घोटाले में अहम भूमिका है। बहरहाल भारत की जांच एजेंसी आप जगतानी की काली कमाई की पड़ताल में जुटी है, जिसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। खास खबर .com के लिए गिरिराज अग्रवाल की रिपोर्ट।